आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। देश में कोरोना का रफ्तार एक बार फिर से डराने लगा है। जहां एक तरफ कोरोना की धीमी रफ्तार से जनजीवन पटरी पर लौट रहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस ने दोबारा से लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। साल 2019 से शुरू हुई इस वैश्विक महामारी से आज तक दुनिया जंग लड़ रही है। कभी इस महामारी की रफ्तार धीमी पड़ती है तो कभी फिर से सक्रिय होकर लोगों का काल बन जाती है। कोरोना की सभी वेव्स ने लोगों को तबाही का मंजर दिखाया था। तैरती लाशें, एक एक सांस के लिए तड़पते लोग, अपनों को खोने का डर, याद तो होंगी सभी को जलती लाशों की सैकड़ों तस्वीरें। और अब एक बार फिर कोरोना ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 213 नए मरीज मिले हैं और सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर में 98, तो वही गाजियाबाद में 56 लोगों में कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। इसी तरह आगरा में 15, लखनऊ में 10, मेरठ में 8, वाराणसी में 3, ललितपुर में 4, महाराजगंज में 3, बुलंदशहर गोरखपुर में 2-2 केस सामने आए हैं। अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर में भी 2-2 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,199 हो गई है, जबकि 133 लोग रिकवर हुए हैं। लेकिन अब कोरोना संक्रमण बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर कोरोना स्कूल जाने वाले बच्चों में देखने को मिल रहा है। जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, बीते 24 घंटे में लखनऊ में लामार्टिनिया गर्ल्स कॉलेज की 2 छात्राएं भी कोरोना संक्रमित मिली, जिसके बाद अब अभिभावकों के साथ साथ पेरेंट्स को भी चिंता सताने लगी है कि आखिर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाए। जबकि बीते दिनों गाजियाबाद के कई स्कूल में भी कोरोना का बच्चों में असर देखने को मिला था, जिसके बाद स्कूलों पर फिर से ताले लगने के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी ने खुद नजर बनाई हुई है, साथ ही लगातार टीम 9 के साथ बैठक करके कोरोना के बढ़ते मामलों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर रहे हैं। वही अगर ऐसे ही लोगों के चेहरों से दिन ब दिन मास्क गायब होते रहे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।